गुड मॉर्निंग। अरे भाई, हमारी तो मॉर्निंग गुड होती है एक बेहतरीन से ब्रेकफास्ट के साथ। अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मेरे लिए एक गुड ब्रेकफास्ट का मतलब होता है गर्मा गर्म पराठे मक्खन मार के, साथ में दही, और गर्मियों में उसके साथ लस्सी। लेकिन भाई, आजकल के बच्चों को तो रोज कुछ नया चाहिए होता है। तो चलिए, आज बच्चों की थोड़ी डिमांड पूरी करते हैं और बनाते हैं एक इंटरेस्टिंग सा ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए। शेयर कर रही हूँ आज आपके साथ पनीर ब्रेड रोल की रेसिपी, और उसके साथ बनाएंगे हॉट चॉकलेट। अभी कोई आम पनीर रोल नहीं है, क्या खास है इसमें, चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो मेरी तो यही कोशिश रहती है कि भाई रोज कुछ इंटरेस्टिंग और फ्रेश सर्व करूं फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ। जैसे कि आज ये पनीर, बटर, मिल्क, ब्रेड, यहां तक कि अनियंस भी सब ज्ञान फ्रेश ऐप से मंगवाया, और ये पनीर भी एकदम सॉफ्ट एंड ताजा है, ढेर सारे प्रोटीन से भरपूर। और क्या आप जानते हैं, ज्ञान डेयरी का दूध आप तक पहुंचता है 24 घंटे के अंदर, और इसमें मलाई आती है ढेर सारी, एक मोटी लेयर, जैसे हम लोग को अच्छी लगती है ना, बिल्कुल वैसी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम अपना पनीर ब्रेड रोल। तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि हम अपने पनीर को ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे क्रश भी कर सकते हैं अपने हाथ से, लेकिन मैं अपने ग्रेटर के मोटे वाले आइस से इसे ग्रेट कर लूंगी। अब इस पनीर में मैं अपने सारे वेजिटेबल्स को चॉप करके मिला देती हूं। तो थोड़े से ग्रीन बेल पेपर्स में चॉप कर लूंगी, और इसी के साथ साथ थोड़े से रेड, थोड़ा अनियन, चिलीज। तो इसी तरह से थोड़ा सा रेड बेल पेपर। वैसे अगर आपके पास रेड बेल पेपर ना हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मकसद सिर्फ इतना है कि जितनी वेजिटेबल्स हम ऐड कर सके अपने फूड में उतना बढ़िया। इसी तरह से अनियन, इसको भी मैं फाइन चॉप कर लेती हूँ। तो ये तो हो गई सारी वेजिटेबल्स चॉप, पहले इसे पनीर में ऐड कर देते हैं। अब ऐड करते हैं इसमें अपने सारे फ्लेवर्स, जैसे कि ओरिगैनो, इसी के साथ चिली फ्लेक्स, सॉल्ट टू टेस्ट, पेपर पाउडर, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा प्रोसेस्ड चीज़ जिसे मैंने ग्रेट करके रखा है, ये प्रोसेस्ड चीज़ भी इसमें ऐड कर दूंगी। प्रोसेस्ड चीज़ की जगह आप पिज्ज़ा चीज़ यानी कि मोजरेला चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। दिस डन, अब ब्रेड की स्लाइसेस को प्रिपेयर कर लें। मेरे पास है यहाँ पर सैंडविच ब्रेड, और पहले इसके ये जो ब्राउन साइज हैं इन्हें कट करके मैं निकाल देती हूँ। तो ऐसे ही और ब्रेड स्लाइसेस को भी प्रिपेयर कर लिया जाए। दिस डन, अब इन ब्रेड के स्लाइसेस को मैं हल्का सा पानी में डिप करूँगी और इनको स्क्वीज करके इनका सारा एक्सेस मॉइस्चर निकाल दूंगी। प्लेस करूँगी इसमें अपनी स्टफिंग। आप चाहें तो स्टफिंग को अपने हाथ में ऐसे मुट्ठी से बॉल की तरह से ऐसे बना सकते हैं, ताकि ढेर सारी स्टफिंग आपके रोल में अंदर आ जाए। जस्ट कवर दिस अप, प्रेस फ्रॉम ऑल द साइड्स टू इंश्योर कि ये स्टफिंग कायदे से ब्रेड से कवर हो गई। तो चलिए ऐसे ही ब्रेड रोल्स और बना लिए जाए। तो देखिए, ऐसे मैंने ये सारे ब्रेड स्लाइसेस को प्रिपेयर कर लिया है अपनी स्टफिंग के साथ। अब मैं दो काम कर सकती हूँ। पहला तो ये कि इनको मेल्टेड बटर से ब्रश करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक प्री हीटेड ओवन में मैं इसे कर सकती हूँ बेक फॉर अबाउट 12-13 मिनट्स, जब तक कि ये ऊपर से बढ़िया सा गोल्डन नहीं हो जाता। आप चाहें तो इसे ग्रिलर में ग्रिल भी कर सकते हैं, नहीं तो फ्राइंग पैन पे इसे फिनिश कर सकते हैं, जैसे एग्जैक्टली अभी मैं करने जा रही हूँ। तो अपने पैन में मैं ले लूंगी तकरीबन आधा इंच तेल। तेल जब मीडियम हॉट हो जाएगा तब अपने पनीर रोल्स को मैं इसमें फ्राई कर लूंगी। बहुत सारे इकट्ठे पैन में मत ऐड कीजिएगा, इन्हें बैचेस में हम फ्राई करेंगे, फॉर द सिंपल रीजन कि अगर आपने बहुत सारे पनीर रोल्स अपने पैन में इकट्ठे ऐड कर दिए तो तेल का जो टेम्परेचर है ना वो गिर जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट पनीर रोल्स बहुत ज्यादा तेल को अब्सॉर्ब करेंगे और क्रिस्प नहीं होंगे।
सो वंस दिस टर्न अ नाइस गोल्डन ऑन द अंडर साइड, फ्लिप इट ओवर और दूसरी साइड से भी हम इसे बढ़िया सा गोल्डन हो जाने देते हैं। तो जैसे ही ये बढ़िया सा गोल्डन हो जाएगा, इसे हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं ताकि इसका जितना एक्सेस ऑयल है ना वो रिमूव हो सके। तो ऐसे ही बाकी के सारे पनीर रोल्स को भी फ्राई कर लिया जाए। और जब तक ये पनीर रोल फ्राई होते हैं तब तक हॉट चॉकलेट बना ली जाए। और हॉट चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं लेने जा रही हूँ मिल्क इन माई पैन। मेरे पास है यहाँ पर डार्क चॉकलेट जिसे मैंने चॉप कर लिया है। अब ये डार्क चॉकलेट भी मैं अपने मिल्क में ऐड कर देती हूँ और इसके साथ थोड़ा सा इसे पका लेती हूँ। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट ना हो घर में तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है, कोको पाउडर ऐड कर दीजिए। केवल 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करने से हमारा हॉट चॉकलेट बहुत ही बेहतरीन बनेगा। इसे स्टर करते रहेंगे ताकि चॉकलेट नीचे जले नहीं। और अगर आप सर्दियों में इसे एक वार्म स्पाइसी फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, बस थोड़ी सी दालचीनी डाल दीजिए। इट विल गिव इट अ ब्यूटीफुल वार्म फ्लेवर। वंस दिस इज कम्प्लीटली मेल्टेड, आप बस मिल्क को इतना कुक कर लीजिए कि वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रहे। एकदम इसमें उबाल नहीं लेकर आएंगे, नहीं तो हमारी चॉकलेट जो है वो बर्न कर जाएगी। सो वी जस्ट वॉन्ट स्कॉल्डिंग हॉट मिल्क। उबलने से थोड़ा पहले इसे बंद कर देंगे। तो अपने मग में निकाल लेते हैं हम अपनी हॉट चॉकलेट। अब मेरे पास है थोड़ी सी व्हिप क्रीम जिसे मैंने एक पाइपिंग बैग में भर के रखा हुआ है। व्हिप क्रीम हो तो थोड़ी सी इसे हम व्हिप क्रीम से कवर कर देते हैं। तो लीजिए भाई, हो गया एक डिलिशियस सा ब्रेकफास्ट रेडी इन नो टाइम। कोई भी सामान खरीदने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाई ठंड भी तो बढ़ गई है ना, क्यों कहीं बाहर जाना। बस अपना ऑर्डर रात के 9:30 बजे से पहले ज्ञान फ्रेश ऐप पे प्लेस कर दीजिए और सुबह 8 बजे से पहले आपके सारे प्रोडक्ट्स आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगे। एकदम फ्री डिलीवरी, ना ही कोई मिनिमम ऑर्डर वैल्यू और ना ही कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो आप भी डाउनलोड कीजिए ज्ञान फ्रेश ऐप और यूज कीजिए मेरा कोड पंकज100 और पाइए 100 रुपये तक का कैशबैक ऑन अ वॉलेट रिचार्ज ऑफ ₹250 एक्सक्लूसिवली आप सबके लिए। पार्टिसिपेट करें स्पिन द व्हील में। कैसे? अपने ज्ञान फ्रेश ऐप के वॉलेट को रिचार्ज करें ₹500 से और पाएं बेहतरीन इनाम, जैसे कि 7 दिन से लेकर 1 साल तक का दूध फ्री और साथ ही में पाएं ₹100 तक का कैशबैक और ढेर सारे बढ़िया बढ़िया इनाम। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अरे भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, बिल्कुल फ्री है। और आप जानते हैं ना कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक जरूर कीजिएगा और कॉमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।